नमस्कार दोस्तों, फिर हम आपका नेक्स्ट क्लास लेकर आ गए हैं। देखते हैं दोस्त, आज के क्लास में क्या हम लोग जानेंगे। दोस्तों, आइए दोस्त, आज जानते हैं बिहार का राजनैतिक परिचय। बिहार का राजनैतिक परिचय मैप के माध्यम से। जैसे कि दोस्त मैं यहां लिखे बिहार का राजनीतिक परिचय मैप के माध्यम से हम लोग जानेंगे, जिसे कि इससे जुड़े सूचनाएं हमको और साथ ही आपको बहुत दिन तक आपके पास रह सके, जिसका उपयोग मैं एग्जाम में आप एग्जाम में उपयोग कर सके। ये दोस्तों आज जानते हैं बिहार का जनसंख्या से संबंधित तथ्य। दोस्त, बिहार का कुल जनसंख्या 10,99,452। अभी जो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या 10,40,99,452 है, जो 2011 के जनगणना के अनुसार दोस्तों यह देश के कुल जनसंख्या है, उसका एक अंश बिहार का जनसंख्या है। दोस्त, यह देखते हैं यह जनसंख्या
देश के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो यह जनसंख्या देश के कुल जनसंख्या का 8.86%। तो दोस्त ये देखते हैं यहीं पर जो बिहार, इसे बिहार की जनसंख्या से अधिक जनसंख्या वाले वह कौन से दो स्टेट अधिक है, सात अर्थात बिहार का जनसंख्या भारत में कितने नंबर स्थान में है राज्यों क्रम में। तो राज्यों के देश में इसका स्थान जनसंख्या के जनसंख्या क्रम में तीसरा है दोस्त। इसके पहले तीसरा है दोस्त, इसे कितना स्थान हो गया देश में जनसंख्या क्रम में तीसरा। तो इसके पहले दो स्टेट है जो हमारे जनसंख्या से अधिक है, वो है दो स्टेट एक उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। दोस्त यहां हम जाने कि देश में बिहार का स्थान जनसंख्या के मामले में तीसरा का स्थान है दोस्त। तो यहीं पर दोस्त एक और चीज जानते हैं, बिहार का लिंगानुपात। तो बिहार का लिंगानुपात यहां पर 918, जैसा कि हम कल जान गए कि लिंगानुपात क्या है। लिंगानुपात का मतलब होता है दोस्त 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या, अर्थात बिहार में 1000 पुरुष पर कितना महिलाएं हैं, 918। यह 2011 का जनगणना के अनुसार है दोस्त। यह 2011 के जनगणना के अनुसार है दोस्त। तो यहां पर एक और चीज देख लेते हैं, शिशु लिंगा अनुपात दोस्त। शिशु
शिशु लिंगानुपात दोस्त यहां पर बिहार में 935 है, जो इस प्रकार के तथ्य आपको बिहार में जितने भी एग्जाम हो, चाहे बिहार पुलिस हो या दरोगा हो या सचिवालय हो या बिहार बीपीएससी तो है ही और सीडीपीओ, इस सभी एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो कितना हो गया शिशु लिंगा अनुपात में बिहार, शिशु लिंगा अनुपात बिहार में 935 है दोस्तों। दोस्त कल एक चीज और बताए थे हम लोग, दशकीय वृद्धि जो हम लोग जिलावार के मैं जिले बाय जिले की चर्चा कर रहे थे, तो बिहार में 2001 से 2011 के बीच में जनसंख्या में कितना वृद्धि हुआ, तो यह वृद्धि 25.4% है, अर्थात बिहार में दशकीय वृद्धि कितना हुआ दोस्त, 25.4%। तो हम लोग देखे दोस्त बिहार में दशकीय वृद्धि कितना है दोस्त, 25.4, जो 2001 से 2011 के बीच में इतने प्रतिशत की वृद्धि जनसंख्या में हुई दोस्त। फिर चलते हैं दोस्त, अब यहीं देखते हैं हम लोग जनघनत्व, बिहार का जनघनत्व कितना है और साथ ही इसका स्थान भारत में कितना है। दोस्त यहां हम लोग कितना देखते हैं बिहार का जनगणना, तो बिहार का जनगणना तो 1106 है, जैसा कि कल हम लोग इसके बारे में जाने, इस शब्द के बारे में जनगणना, तो जनगणना तो के मतलब होता है दोस्त लोगों की संख्या, आपका रिवीजन हो जाएगा दोस्त। तो जनघनत्व का मतलब हो गया है एक किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। तो बिहार का कितना दोस्त, बिहार का जनघनत्व 1106 है, अर्थात यहां एक किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं। तो दोस्त इसका स्थान देश में कितने नंबर पर है, अर्थात हमारे जो बिहार से कौन से राज्य का जनघनत्व अधिक है या कम है उसको थोड़ा जान लेते हैं। तो यहां हम जानेंगे तो पता चलता है बिहार ही वो राज्य है जो जिसका स्थान भारत में एक नंबर पर है, अर्थात बिहार का स्थान जनघनत्व के मामले में कितने स्थान पर है, तो एक है दोस्त।
दोस्त ये देख लिए हम लोग बिहार में, देश में बिहार का स्थान जनघनत्व के मामले में एक है, एक है। फिर दोस्त ये चलते हैं, ये जान गए इतना चीज फैक्ट। अब जानते हैं दोस्त बिहार की साक्षरता देश में कितनी है। तो बिहार की साक्षरता देखेंगे तो उसमें ये भी देखेंगे कि पहला महिला पुरुष की साक्षरता कितना है और साथ ही महिला की साक्षरता कितना है। तो आइए दोस्त जानते हैं बिहार की साक्षरता। बिहार की साक्षरता टोटल 61.8 है दोस्त। तो हम लोग जाने बिहार की साक्षरता कितना है, 61.8। तो दोस्त यही हम लोग जानते हैं पुरुष की साक्षरता कितनी है। तो पुरुष की साक्षरता साक्षरता 71.2 है दोस्त। तो बिहार की साक्षरता देखें 61.8, तो उसमें पुरुष की साक्षरता यानी पुरुष अर्थात पुरुष वहां जो पढ़े हैं वह कितना है, 71.2। तो यहीं पर महिला का भी साक्षरता देख लेते दोस्त। तो महिला की साक्षरता दोस्त यहां पर 51.5 हो जाएगा। तो महिला की साक्षरता कितना होगा दोस्त, 51.5 हो गया। यानी हम लोग जाने बिहार की साक्षरता जो 61.8 है जिसमें पुरुष की साक्षरता 71.2 और महिला की साक्षरता 51.5 है दोस्त। अब जानते हैं दोस्त इसके पहले भी बताया है और लेकिन फिर आज रिवीजन करा देते हैं, बिहार का प्रमंडल। तो बिहार में प्रमंडल टोटल कितने हैं दोस्त, बिहार में टोटल प्रमंडल 9 है दोस्त। तो हम लोगों ने देखा कि बिहार में प्रमंडल कितना है, 9 है। तो यहां जिला भी देख लेते हैं। जिला 38 है दोस्त, लेकिन इसमें जो नया जिला बना हुआ उस जिला का नाम क्या है, उस जिला जो नया जिला बना हुआ सबसे लास्ट बना हुआ है वह है अरवल।
जो इसे कि आप लोग हम लोग जानते ही हैं अरवल कहाँ है। ये है आपका अरवल। ये हुआ अरवल दोस्त। तो यही पर दोस्त हम लोग अनुमंडल भी जान लेते हैं, जिसे कि एक जगह आपका तत्व रहेगा तो इसके माध्यम से आपको याद करने में सहयोग करेगा। तो यहां अनुमंडल कितना होगा दोस्त? यहां अनुमंडल बिहार में 101 हो गया दोस्त। हमने जिला देखा, हमने प्रमंडल देखा, प्रमंडल देखा, हमने जिला देखा, हम लोग अनुमंडल देखा, अब देखते हैं प्रखंड। तो प्रखंड दोस्त बिहार में 534 है दोस्त। कितना हुआ दोस्त बिहार में प्रखंड? 534। तो ग्राम पंचायत भी देख लेते दोस्त यहां पर। तो ग्राम पंचायत दोस्त 8387 हो जाएगा दोस्त। तो यहां बिहार में प्रखंड 534 हो गया और ग्राम पंचायत 8387 हो गए दोस्त। तो यहां दोस्त एक चीज और जानते हैं, शासन की छोटी इकाई। हो सकता है कभी कोई एग्जाम पूछ ले शासन की न्यूनतम इकाई क्या होता है। तो यहां शासन की न्यूनतम इकाई यहां शासन की न्यूनतम इकाई दोस्त क्या होगा? वार्ड। तो इस प्रकार ऐसे सूचनाएं जाने। अब चलते हैं दोस्त कुछ नए चीज जानते हैं। जैसा कि भारत में एक सदन है जो आप जानेंगे, जो भारत की समस्याओं को हल करने के लिए और साथ ही यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए और यहाँ के विकास को रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए विकास को आगे बढ़ाने के लिए एक सदन है। भारत में भारत के विकास को आगे बढ़ाने के लिए साथ ही भारत की समस्याओं पर समस्याओं को हल करने के लिए उसे विचार विमर्श करने के लिए एक सदन है जो कहाँ है? दिल्ली में है। उसमें होता क्या है दोस्त? तो इस सदन में अर्थात ये हाउस है, हाउस जिसमें संपूर्ण भारत से निर्वाचित होकर लोग आते हैं, हर राज्य से आते हैं, चाहे वह महाराष्ट्र हो,
संपूर्ण भारत से निर्वाचित होकर और मनोनीत होकर कहां आते हैं? सदन में आते हैं, इस हाउस में आते हैं। तो यह निर्वाचन, यह निर्वाचित लोग संपूर्ण भारत के जितने भी राज्य हैं सबको जनसंख्या के आधार पर और निर्वाचन को बांट दिया गया है। जनसंख्या के आधार पर दोस्त, तो यहां पर 10 लाख के 10 लाख पर एक सीट होता है, संपूर्ण भारत को जनसंख्या के आधार बांट दिया है। तो महाराष्ट्र से हो या केरल से हो या पश्चिम बंगाल से हो या मणिपुर से, सबको जनसंख्या के अनुसार लोकसभा में इस सदन में जगह दिया गया है। जितने भी राज है सबको जनसंख्या के अनुसार उनको जगह दिया गया है। यहां सदन दोस्त दो है, एक राज्यसभा है दोस्तों। तो ये लोकसभा, ये सदन है, सदन को दो भाग मार दिया गया, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो लोकसभा में संपूर्ण भारत से प्रत्यक्ष रूप से तो इस सदन में लोकसभा में प्रत्यक्ष, इसका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है और यह निर्वाचित होकर लोकसभा में आकर तो इस संपूर्ण राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये राज्यसभा हुआ जो इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से इनके इनके सदस्यों का होता है दोस्त। तो यहां देखते हैं कि अधिकतम सदस्य लोकसभा का कितना है। तो लोकसभा में सदस्य अधिकतम 552 है, लेकिन अभी वर्तमान में 545 है। तो दोस्त ये 545 मेंबर है संपूर्ण भारत से चुनकर आते हैं, तो 545। तो इसमें देखते हैं बिहार का कितना सीट है, यानी इस लोकसभा सदन में बिहार को कितना सीट दिया गया है दोस्त। यही चीज बताने के लिए हम यहां आए हुए थे। तो साथ ही इसी प्रकार राज्यसभा में बिहार को कितना सीट दिया गया है दोस्त। तो लोकसभा में दोस्त बिहार का सीट 40 है,
तो लोकसभा में बिहार का सांसद कितना होगा दोस्त? 40 हो गया। तो उसी प्रकार राज्यसभा में कितना हो जाएगा दोस्त? तो राज्यसभा में बिहार को 16 सीट दिया गया दोस्त। तो हम लोगों ने देखा कि लोकसभा में बिहार के सांसद 40 चुनकर आते हैं और राज्यसभा में बिहार के सांसद 16 चुनकर आते हैं दोस्त। देख लिए? चलिए दोस्तों फिर नए तथ्य की ओर बढ़ते हैं। अब तो हम भारत में जान गए, वहां के सदन में तो हर राज्य का एक अपना सदन होता है, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो राजस्थान हो। उसी प्रकार बिहार में भी एक सदन है जो बिहार के विकास को, बिहार के प्रशासन को आगे बढ़ाने के लिए, साथ ही वहां की समस्याओं का हल करने के लिए बिहार से भी चुनकर विधायक आते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। तो वह विधायक की संख्या बिहार में कितना है, साथ ही जो बिहार का जो सदन है वो एकात्मक है या दुसदात्मक है, मैं उसको भी देख लेता हूं दोस्तों। तो जैसा कि लोग दोस्त जानने हम लोग कि बिहार में बिहार के विकास को सब संचालित करने के लिए एक सदन है, ये है ये सदन, इसमें आकर बैठते हैं लोग और चर्चा करते हैं। विधानसभा और विधान परिषद, अब देखिए दोस्तों तो हम ये देखते हैं कि इनका भी निर्वाचन, जो विधानसभा में जो विधायक आते हैं उनका भी निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप में होता है। जो इसमें सदस्य आते हैं वो प्रत्यक्ष रूप में तो इनके जो सदस्य आते हैं, जो विधायक आते हैं संपूर्ण बिहार से, वह उसको जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती है दोस्त। तो इसमें देखते हैं दोस्त विधानसभा में कितने विधायक आते हैं चुनकर। तो यहां पर विधानसभा में 243 सदस्य चुनकर आते दोस्त। तो विधानसभा में बिहार का मेंबर कितना होगा दोस्त? इनका
विधायक हो गया, तो बिहार विधानसभा में विधायक कितने हो गए दोस्त? बिहार विधानसभा में विधायक 243 हो गए। तो अब चलते हैं दोस्त विधान परिषद की तरफ। इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप में होता है, जो जिनका कुछ राज्यपाल मनोनीत करते हैं, कुछ विधानसभा से आते हैं चुनकर आते हैं, और कुछ स्नातक लोग और कुछ स्थानीय शासन से लोग चुनकर आते हैं। तो इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो दोस्त इनका इनका विधानसभा विधान परिषद में मेंबर कितने होते हैं? तो विधानसभा में विधान परिषद में मेंबर बिहार में टोटल 75 है दोस्त। विधान परिषद में सदस्य कितने हो गए दोस्त? 75। जो एक नियम है संविधान के अनुसार कि जितना विधानसभा में विधायक होगा उसका 1/3 विधान परिषद में होगा दोस्तों। तो यहां देख लेते हैं, जैसे कि हम जानते रहते हैं, अभी हम लोग जाने हैं कि हमारे विधायक कितने हैं। तो उनका यदि 1/3 करते हैं तो कितना हो जाएगा लगभग में दोस्त? तो विधान परिषद में सदस्य कितना हो गए? 75। तो साथ ही हम लोग जान गए कि बिहार में जो सदन है क्या है, बिहार में जो सदन है वो द्विसदनात्मक व्यवस्था है। तो बिहार में सदन क्या हो जाएगा दोस्त? ये सदन क्या हो गया बिहार में? तो बिहार में सदन द्विसदनात्मक है, अर्थात यहां पर दो सदन है। कौन कौन है? विधानसभा और विधान परिषद, जिसमें विधानसभा में 243 सदस्य और विधान परिषद में 75 सदस्य है दोस्त। अब कुछ दोस्त नई चीज जानते हैं हम लोग, जैसा कि बिहार का राजकीय फूल क्या है। तो बिहार का राजकीय फूल गेंदा है दोस्त। तो क्या हुआ? बिहार का राजकीय फूल गेंदा दोस्त। तो हम लोग क्या जाने दोस्त? बिहार का राजकीय फूल क्या है? तो
तो गेंदा है दोस्त, ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ और भी चल और भी तत्व जानते हैं दोस्त। तो बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो यहां बिहार का राजकीय पशु बैल है दोस्त। राजकीय पशु क्या दोस्त? बैल हो गया, जो हमारी गौ माता की क्या है? बेटा है। चलिए दोस्त, तो यहां पर बिहार का राजकीय वृक्ष जान लेते दोस्त। तो बिहार का राजकीय वृक्ष यहां पर पीपल है दोस्त। राजकीय वृक्ष क्या होगा दोस्त? बिहार का पीपल, जो देखते हैं कि हम लोग को अधिक मात्रा में क्या देते हैं, जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन। तो फिर दोस्त एक आगे देखते हैं, बिहार का राजकीय चीन क्या है? बिहार का राजकीय चीन क्या है दोस्त? बिहार का राजकीय चीन बौद्धि वृक्ष है। तो बिहार का राजकीय चिन्ह क्या हो गया दोस्त? बिहार का राजकीय चिन्ह बौद्धि वृक्ष हो गया दोस्त। तो फिर दोस्त आज दो और तक जानते हैं। तो बिहार में बिहार का राजकीय मछली क्या है? तो बिहार का राजकीय मछली क्या है दोस्त? मांगुर है। तो यहां क्या होगा दोस्त? बिहार का राजकीय मछली क्या होगा दोस्त? बिहार का राजकीय मछली मांगुर हो गया दोस्त। तो हम लोग इसको जाने, तो साथ ही एक और तत्व को जान लेते हैं दोस्त, बिहार का राजकीय पक्षी।
क्या हो जाएगा दोस्त? गौरया। तो बिहार का राजकीय पक्षी क्या हो दोस्त? बिहार का राजकीय पक्षी गौरया हो गया दोस्त। तो ये सब चीज आज के क्लास में हम लोग इतना जाने, फिर नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। और साथ ही दोस्त, ये जितने भी आपको ये वीडियो मिल रहे हैं, ये बीपीएससी में जो भी 30 अप्रैल का एग्जाम होने वाले हैं, तीस अप्रैल को जो 67वीं बीपीएससी के एग्जाम होने वाला है, उसमें बहुत उपयोगी साबित होगा। तो चलिए दोस्त, आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। और साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में जितने भी दोस्तों के बीच है, उसको शेयर करिए। और साथ ही उनको ये भी बताइए, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्त।